Hello and good morning all of you. Welcome to the Alpha IAS Academy's UPSC Environment Series and we are at the lecture 11. And पिछले lecture में हम लोगों ने national environmental issues start किया था. चार issues हमने पढ़े थे, तीन और आज पढ़ेंगे. आज हम लोग development induced displacement, coastal subsidence, ठीक है, और genetically modified organisms क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या थ्रेट है, क्या इंडिया में स्टेटस है, ये सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. इसके बाद दो लेक्चर और हम पार्ट टू में पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. पहले जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स, GM क्रॉप्स आप सभी ने सुना होगा, है ना, कि क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कैसे बनते हैं. देखो मैं आपको सिंपल भाषा समझाऊँ तो आपने घर में कभी देखा है कि प्लांट काट के दूसरी जगह उसको जोड़ते हैं, एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है, या एक नया टाइप का प्लांट उग जाता है, या एक नया टाइप का फ्लावर उग जाता है. बस वही होता है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन. क्या करते हैं हम, ऑल्टरेशन करते हैं किस चीज़ का, जीन्स का. किस में, ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग में ही होगा, ठीक है, कभी भी नॉन लिविंग में आप चेंज तो होंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो है सेल का ऑल्टरेशन होता है. जो DNA होता है सेल के अंदर, आपका DNA हुआ, DNA का ऑल्टरेशन होता है. तो अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूँ तो अ जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और लिम्बिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO या LMO इन इज एनी ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन मॉडिफाइड यूजिंग लेबॉरटरी बेस्ड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म. तो जो आप लेबॉरटरी में करेंगे वही जेनेटिकल मॉडिफाइड होगा. जो आप नेचुरली करेंगे या नेचर के भी अपने मैकेनिज्म्स हैं मॉडिफाई करने के, तो उसको आप जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है. तो जो नेचुरल है वो नहीं, जो आप लेबॉरटरी में करेंगे वो होगा. जैसे मान लिया भाई DNA का स्ट्रैंड देखा आपने, कुछ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, या जो आपका जीन्स होते हैं उसमें आपका DNA जो होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, DNA आपका ATGC से बना होता है, एडेनिन, थाइसिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. RNA में आपका थाइमिन नहीं होता है, यूरासिल होता है, AUGC. अब आपका जो DNA स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं बात करूँ ATGCCATTTUV, ये हो सकता है, मतलब ये तो छोटा सा है, बहुत लंबा ऐसा करके. वो क्या डिफाइन कर देगा, वो आपका कलर ऑफ हैंड डिसाइड कर देगा. फिर एक और होगा TGUAATTC, ये क्या कर देगा, साइज ऑफ फिंगर डिसाइड कर देगा. तो ऐसे ही, अब सॉरी यहाँ पे कट रहा होगा क्योंकि मेरी फोटो आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी. तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, DNA का सीक्वेंस है जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेड डिफाइन कर रहा है, ठीक है. अब क्या हुआ कि यार हमने बोला कि यार हमें ना कलर अच्छा नहीं लग रहा, हमें ब्लू रंग की फिंगर चाहिए. तो हमने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये TCGGATTUV को ऐसा करो, बीच में जो पीछे से सीक्वेंस आ रहा है और जो आगे सीक्वेंस आ रहा है इसको हटा दो, ये क्योंकि कलर डिफाइन कर रहा है, इसको हटा के हमने ब्लू कलर वाली DNA वाली सीक्वेंस डाल दी, तो अब जो नई फिंगर आएगी ब्लू आएगी. तो यही होता है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, जेनेटिकल ऑल्टरेशन, ठीक है. अब किस में होगा, आपके DNA में, ठीक है. अब दो टाइप की टेक्निक्स होती हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स या ट्रीज को बनाने के लिए. देखो हम यहाँ पर्टिकुलरली क्रॉप्स की बात कर रहे हैं और ट्रीज की बात कर रहे हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंटल इश्यूज है. ये जो मैंने आपको समझाया ATGCUVV, ये हमारा है, ये हमारा DNA है, तो ये ह्यूमंस का है, ठीक है. ट्रेडिशनल क्रॉप मॉडिफिकेशन में जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई आपने एक पेड़ की टहनी काटी, उसको दूसरे पेड़ की टहनी के साथ जोड़ दिया, एक नया पौधा बन गया, एक नए कलर का पौधा बन गया, वो आपका ट्रेडिशनल क्रॉप मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है. देन अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो आपने क्या किया, आपने जीन निकाला, ठीक है, ये आपका मान लिया जीन था, ठीक है, आपने कहा यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये हटाते हैं, या आपको यहाँ पे पता है कि कौन जो है यहाँ से जो है ये वाला जो पार्ट है रेड वाला जो मैं काट रहा हूँ, ये कौन का साइज़ डिसाइड कर रहा है कि भैया छोटे दाने होंगे या बड़े दाने होंगे. आपने यहाँ हटाया, आपने कहा कि यार ये वाला जो जीन था ना ये वाला डाल दो, इससे बड़े दाने आते हैं हमेशा. तो आपने ये वाला नया जीन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, आपके पास बड़े दाने आने लग गए कॉर्न में. तो ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ठीक. किसमें आप, जैसे आप अगर मैं इफ़ यू इंसर्ट अ जीन इन अ सॉइल बैक्टीरियम BT, जिसको BT, अच्छा आगे हम पढ़ेंगे BT पढ़ेंगे, BT होता है बेसिलस थरंगिनेसिस, ठीक है, इज इंसर्टेड इनटू अ DNA ऑफ द कॉर्न टू क्रिएट इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स. तो बेसिकली जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज़ हो रहा है क्रॉप्स के लिए, वो इसीलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि या तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ानी है हमें क्रॉप्स की,
हमारी उससे क्या होगा, हमारी फूड सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी, या हमें उसे पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है, ठीक है। आगे मैं आपको बढ़ाऊँगा बीटी कॉटन में क्या प्रॉब्लम होती थी। ऐसे अब जीन गन्स पढ़ लेते हैं, तो वो जीन गन्स क्या है, गन हो गया, अपने पास गन है, कुछ नहीं होता, ये ऐसी चीज़ होती है कि आप सीधा जो जीन गन की यूज़ से आप सीधा क्या करते हैं, जो डीएनए वैक्सीन है सीधा मेम्ब्रेन, अब अगर आप वो मेम्ब्रेन पे पहुंची तो मेम्ब्रेन तो आइडेंटिफाई कर लेगा, बोला यार ये कुछ गलत चीज़ आ रही है, इसे हटाओ, इसे एक्सप्लेन करो जल्दी से। तो जीन गन क्या हेल्प करती है, आपकी वो मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन को पता लगे आप अंदर घुस जाते हैं सीधा, ठीक है, और जल्दी से चेंज कर पाते हैं, तो वो हो गया आपका जीन गन, ठीक है। देन एग्रोबैक्टीरियम, एक्टिव एग्रोबैक्टीरियम जो होता है आपका, वो नेचर का जेनेटिक इंजीनियर होता है, ठीक है, वही टाइप का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, ठीक है। उसको यूज़ भी किया गया है ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए। अब आपको फ़र्क समझाएंगे ट्रांसजेनिक और सिसजेनिक में क्या फ़र्क होता है। इनफैक्ट ये डायग्राम था, मैंने आपको समझा दिया है। पहले आप क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड, क्या आप कैसे क्या ट्रेड चाहिए भैया, मैं हमने बोला कि कॉर्न में बड़े दाने चाहिए, और दाने लिया आपने, सीक्वेंस लिया आपने, पहले देखा कि यार ये वाला जो सीक्वेंस है ये दानों को डिफाइन कर रहा है, बड़े दाने वाला लाया आप उठा के और आपने उसे काटा साइड से, काटने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी आपको, क्रिस्पर कैस नाइन टेक्नोलॉजी की, ठीक है, क्रिस्पर कैस नाइन टेक्नोलॉजी, हम आगे उसका फुल फॉर्म आपको बताता हूँ मैं दो मिनट में। उसे काटा, नया जीन लिया, जब वो आ गया तो जेनेटिक, क्योंकि हम क्या है, हम तो हमारा जेनेटिक सीक्वेंस है, मैं आपको ऐसा दिख रहा हूँ, ठीक है, मेरी दो आँखें हैं, मेरे ऐसे कान हैं, नाक हैं, ऐसे मेरा मुंह है, एक टाइप का मुंह है, आप लेक्चर देख रहे हैं आपकी अलग टाइप की शक्ल होगी, ठीक है, आप मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, ठीक है, या आप मेरे से आपका कम भी स्मार्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारे जीन्स हैं, हमारा जो डीएनए मेकअप है वो हमें डिफाइन कर रहा है, ठीक है, मेरे हाथ छोटे हैं, किसी के हाथ इतने बड़े होंगे, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसका जेनेटिक मेकअप है। तो इसी से इसी को हम लोग कार्ड फीड के चेंज करते रहते हैं। जो अब डिज़ाइनर बेबीज़ की बात हो रही है कि यार ऐसा करो कि बच्चे को जो है ब्लू आइज चाहिए, बाल कर्ली चाहिए, ब्राउनिश टाइप के चाहिए, हैं एकदम थोड़ा सा डस्की होना चाहिए लुक उसका, और आर्म्स उसके ऐसे होने चाहिए, पैर वो होने चाहिए कम से 6 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए। तो ये क्या हो, डिज़ाइनर बेबीज़, क्योंकि आज आपके पास पूरा जीनोम, ह्यूमन जीनोम, जब ह्यूमन जीनोम का मतलब होता है, जीनोम का मतलब होता है जब आप सारे जीन्स या जीन की मैपिंग पूरी कर लेते हैं, आपको पता है कि सारी जीन के लिए सीक्वेंस आपके पास है, तो वो ह्यूमन जीनोम है, जिसका एंथ्रोपोलॉजी को उसे पता भी होगा, बायो टेक्नोलॉजी जो बच्चे पढ़ते होंगे उन्हें पता भी होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, और वो वेरी करता है हर आदमी के लिए। तो उनका एम ये है कि जितने भी जीनोम पाए जाते हैं, क्योंकि एक रेस एक टाइप के आदमियों के लिए कुछ कॉमन जीनोम्स होते हैं, तो उन सबको मैप कर लेना, ठीक है, खैर वो अलग बात है, हम भी हट जाते हैं कभी कभार टॉपिक से, ठीक है। आपको डिजायर ट्रेड मिल गया, आपने यहाँ इंसर्ट किया, आपको जो है नया जो आपको चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। देन जीन एडिटिंग क्या होती है, जीन एडिटिंग आप एक टेक्निक से करोगे, क्रिस्पर कैस नाइन टेक्नोलॉजी से। भाई क्रिस्पर का मतलब क्या होता है, क्रिस्पर का मतलब होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्या ऐसा याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो भी ये बोला था क्रिस्पर कैश नाइन किससे रिलेटेड है, ठीक है, फुल फॉर्म कभी नहीं पूछेगा, स्टेट कमीशन भी नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, ये आपका एक टाइप का सीजर है, आपने इस काटा और नया वो लगा दिया। क्रिस्पर कैश नाइन टेक्नोलॉजी के आने के बाद इसलिए रेवोल्यूशनरी है क्योंकि बड़े प्रिसाइजली टारगेट करती है, प्रिसाइजली, ऐसा नहीं कि काटा यहाँ तक कट यहाँ गया तो पता लग रहा कि ठीक है यहाँ पूरी फिंगर ब्लू चाहिए थी, पता लग रहा है यहाँ तक तो ब्राउन ही है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका ब्लू है, ठीक है, क्योंकि अब आपका क्रिस्पर कैश नाइन टेक्नोलॉजी, आपने पर्टिकुलर काट सकते हो एकदम यहाँ से यहाँ तक पता है हमें, यहाँ से यहीं तक काटना है। दस अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो वो भी पढ़ाना जरूरी है, डेफिनेशन याद कर लें आप लोग, जीनोम एडिटिंग इज अ न्यू मेथड दैट गिव्स साइंटिस्ट मोर प्रिसाइज एंड टारगेटेड वेज टू डेवलप न्यू वैराइटीज। जीनोम एडिटिंग टूल्स कैन मेक इट ईजियर एंड क्विकर टू मेक चेंजेस दैट वर्क प्रीवियसली डन थ्रू ट्रेडिशनल ब्रीडिंग। अब ये जो मैप है यहाँ पे, ये हमारे मटेरियल में भी है, अच्छा मटेरियल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको टेलीग्राम चैनल या हमारी वेबसाइट alphaes.com कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उसका, ठीक है। देखो वैसे तो बड़ा मैंने आपको सिंपल टर्म्स में समझा दिया, होता कुछ वैसे ही है, बट अगर हम स्टेजेस पढ़ लेते हैं कभी कभार पूछ लेगा भाई ये स्टेज किससे है तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो क्रिस्पर कैश नाइन इन एपोस्टेट मतलब इनएक्टिव स्टेट, देन प्री टारगेट स्टेट रेडी फॉर टारगेट रीच, यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन पैम रिकॉग्निशन एंड डीएनए सैम्पलिंग, लोकल डीएनए मेल्टिंग एंड आरएनए स्ट्रैंड इन्वेजन, उसके बाद क्या होता है डायरेक्शनल अनवेल्डिंग इन आर रूप एक्सपेंशन। भाई आप क्या करते हो ना, ऐसा उसको तोड़ देते हो, एक्सपेंड करते हो ताकि उसकी कटिंग अच्छी सी हो, एक्सपेंड कर दिया उसके बाद आपने काटा नया लगा दिया, देन फुल कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड एच एन एच
एलोस्ट्रिक स्विच टू एंश्योर करेक्टेड डीएनए क्लीवेज। याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, यह बात इसलिए पढ़ा दिया कभी ऐसा कुछ आ जाए डीएनए अनवाइंडिंग आर लूप एक्सपेंशन, तो ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी होता क्या है ये समझ में आना चाहिए। देन बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मॉडिफिकेशन। देखो दो टाइप से होती है, एक होती है ट्रांसजेनिक एक होती है सिसजेनिक। ट्रांसजेनिक तो हो गई कि भैया आप अनदर स्पीशीज़ के जीन ला के हमारे अंदर डाल रहे हो। मान लिया मैं ह्यूमन हूँ, मेरी किडनी ख़राब हो गई, आपने ऐसे जीन्स, आपको पता है एक्चुअली क्या है कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो पिग्स से काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ, तो पिग्स का काफ़ी ज़्यादा जो डीएनए उसका इस्तेमाल होता है, तो आपने उसके डीएनए से एक आर्टिफिशियल किडनी डेवलप कर ली, वो लगा दी, तो वो क्या हो गया ट्रांसजेनिक हो गया। इन विच वन और मोर जीन्स फ्रॉम अनदर स्पीशीज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीनोम। ठीक है, फिर उसके अंदर एक बायोलॉजिक मेथड होता है। बायोलॉजिक मेथड में कुछ नहीं करते, आप एक मेटल लेते हो हैवी सा, उसमें प्लाज्मिड लगाते हो, डीएनए लगाते हो और सीधा एग्रोबैक्टीरियम के सहारे सीधा डाल देते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बायोलॉजिक मेथड। वो किसके अंदर होता है ट्रांसजेनिक के अंदर। ट्रांसजेनिक में क्या हो रहा है कि आप जो जीन लेके आ रहे हो अदर अदर स्पीशीज से लेके आ रहे हो, ह्यूमंस के लिए पिक से लेके आ रहे हो। ठीक है, सिसजेनिक में क्या होता है कि ह्यूमन से ह्यूमन के लिए लेके आ रहे हो, नियर डियर स्पीशीज रिलेटिव से लेके आ रहे हो। ठीक है, तो जीन्स फ्रॉम द सेम स्पीशीज और क्लोज रिलेटिव्स आर यूज्ड टू क्रिएट सिसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, और सिसजेनिक जो है उसमें जो है जीन्स का इस्तेमाल जो होता है क्लोजली रिलेटेड चीज़ से होता है। अच्छा, अब पर्पस क्या है, क्यों हमें जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉस बनाने हैं भैया, क्या दिक्कत हो गई? तो सबसे पहली बात तो वो आपको टू, मैंने आपको बताया था, टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस, टू मेक इट रेजिस्टेंट टू पेस्ट अटैक, टू मेक इट रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस से क्या होगा, अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये पेड़ था, ये आप जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स आपको वह, और यहाँ बहुत सारी घास उग गई। अब जो आपने हर्बिसाइड डाला नॉर्मली, तो हो सकता है ये घास के जलने के साथ साथ ये पेड़ भी ख़राब हो जाए, लेकिन आपका ये जेनेटिकल मॉडिफाइड है, आपने बोला कि यार ये तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मैंने बनाया हुआ, आपने जब हर्बिसाइड डाला तो ये घास मर गई, आपका ये पेड़ रह गया, तो क्या हुआ, आपका काम आसान हो गया। ठीक है, तो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स इसलिए यूज़ होते हैं। अगर इंडिया में बात करें तो आज तक सिर्फ एक ही जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप जो है लार्ज स्केल प्लांटेशन के लिए किया गया है, वो है बीटी कॉटन। बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप आने के लिए तैयार है, बीटी ब्रिंजल, बीटी मस्टर्ड, बीटी पोटैटो लार्ज स्केल ट्रायल्स के लिए तैयार हैं, बट प्रॉब्लम क्या हुआ अभी आपको दो मिनट बताते हैं। ठीक है, अब बीटी कॉटन, बीटी में ना, बीटी का मतलब होता है एक सॉइल बैक्टीरियम होता है, सॉइल में बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको बोलते हैं बैसिलस थ्रेंगेनेसिस। ठीक है, अब हो क्या रहा था कि क्रॉप आपने कॉटन उगाया महंगा सा, फिर भैया एक हमारे पास पेस्ट था बड़ा भयंकर, उसका नाम था पिंक बलवॉर्म। अब बलवॉर्म भैया आया कि अब तो बर्बाद करेंगे आज तुमको, आए अपनी गन छोड़ी और पूरा ख़राब कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, कॉटन वाले एग्रीकल्चर वाले स्टडी किया, उन्होंने बोला ठीक है चलो देखते हैं इसे। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा इसे मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करके उन्होंने क्या किया कि बैसिलस थ्रेंगेनेसिस डाल दिया उन्होंने। अब बैसिलस थ्रेंगेनेसिस में क्या है कि उसके पास एक सुपर पावर है, उसके पास ये सुपर पावर है कि वो एक ऐसा प्रोटीन बनाता है विच इज़ टॉक्सिक टू पिंक बलवॉर्म। भाई जैसे उसके आसपास आएगा वैसे ही मर लेगा या वो उससे दूर भागेगा। तो क्या हुआ कि अब आपके पास आ गया बीटी कॉटन मॉडिफाइड क्रॉप। अब अगली बार जब बलवॉर्म भैया आए तो उन्होंने देखा, अरे यार ये तो टॉक्सिक, इन्होंने मटेरियल इसे मत छेड़ो, इसे ख़राब नहीं हो, तो आपसे क्या हुआ आपका क्रॉप बच गया। ठीक है, ऐसे ही एक HDBT होता है, HDBT में एक एडिशनल जीन डालते हैं हम लोग जो कि हर्बिसाइड, एक हर्बिसाइड होता है ग्लाइफोसेट। ठीक है, ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है, उसके लिए वो रेजिस्टेंट हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, जैसे DMH11 मस्टर्ड थी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने डेवलप की थी, उसने क्या किया कि जो प्लांट सिर्फ सेल्फ पॉलिनेट कर पाते थे उनको अलाउ कर दिया कि वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। देखो कितना चेंज आ गया कि इतना मॉडिफाई कर दिया कि जो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करते थे वो क्रॉस पॉलिनेशन करने लगे। ठीक है, क्रॉस, बट अभी भी सिर्फ बीटी कॉटन ही अलाउड है लार्ज स्केल उसके लिए, बीटी ब्रिंजल मोटैटो वगैरह सब लार्ज स्केल ट्रायल का वेट कर रहे हैं उसको, और उनको परमिशन किसकी चाहिए, एक बॉस है हमारे, उन्हें कहते हैं हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है, अब ये है क्या, अभी हम रेगुलेशंस में पढ़ेंगे, इंडिया में कितनी सारी रेगुलेटरी बॉडी हैं भैया ये इससे जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से डील करती हैं। पहले एक बार जेनेटिकली क्रॉप्स तो पढ़ लिए, ट्रीज भी पढ़ लेते हैं। तो ट्रीज जो है सबसे पहले रबर ट्री बनाया गया था, एंड दैट वाज मेड बाय रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला। उन्होंने क्या देखा कि यार उन्होंने एक ऐसा पेड़ ट्री बना दिया जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो और इन्वायरमेंटल इंक्रीज्ड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को झेल सके। इनफैक्ट अगर आप गुवाहाटी जाएंगे तो
एक वहाँ पे रबर बोर्ड रिसर्च फार्म है, वहाँ पे जी जोनेटिकल मॉडिफाइड रबर लगा हुआ है। उन्होंने ऐसा मॉडिफाइड कर दिया कि इट हैज़ सूटेड टू दी कंडीशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो अब रबर जो है नॉर्थ ईस्ट में भी उग रहा है, वैसे वो उगता था लेकिन केरला वाला रबर अब नॉर्थ ईस्ट में उगा रहे हैं, रिसर्च चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो कि ये सब देखती रहती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी, आरडेक। देखो रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, नाम बताया रिकॉम्बिनेशन, भैया चार जीन यहाँ से लाए, चार यहाँ से लाए, इसको घुमाया और एक आपने नई चीज़ बना दी। तो इसको देख, इसको ये क्या देखता है, इट मॉनिटर्स जितनी भी बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल, ये हुआ इनको देखती है। देन हमारे पास, चलो ये तो सिर्फ देखती है कि हाँ यार ये हो गया, तो देन हमारे पास इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी या IBSC, ये क्या बोलती है, चलो ठीक है जो लो रिस्क एक्सपेरिमेंट है कर लो, अप्रूवल दे देती है लो रिस्क एक्सपेरिमेंट के लिए, और जो इसको लगता है कि हाई रिस्क है तो उसको ये भेजती है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिकल मैनिपुलेशन। अच्छा, ये दोनों जो ये RCGM जो है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है, अभी आपको पढ़ा देंगे कौन सा किसके अंडर आता है। ठीक है, ये क्या करती है, हाई रिस्क प्रोजेक्ट देखती है, फील्ड एक्सपेरिमेंट देखती है छोटे लेवल पे, कंट्रोल फील्ड एक्सपेरिमेंट, भैया फैल ना जाए, आपने कोई जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप लगाया, पता लगा अगल बगल वो फैल गया, पूरा अगल बगल की पूरी संपदा खराब हो गई। देन एक जेनेट सबसे खतरनाक है ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये जो है अलाउ करती है किसके लिए, लार्ज स्केल यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च एंड प्रोडक्शन। देन ये सबसे टॉप पे है, यही जब इसी का फाइनल अप्रूवल चाहिए होता है कि हाँ चलो ठीक है लगा लो, लार्ज BT कॉटन को भी इन्होंने बोला था कि इसको जो है पूरे में अलाउ कर दो। ठीक है, देन हमारे पास इस चीज़ के नीचे होती है स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि स्टेट लेवल पे सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स क्या डैमेज है क्या नहीं उसको एक्सेस करती है, और उसी को डिस्ट्रिक्ट पे जो मैनेज करती है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बोलते हैं, वो जो है स्टेट के नीचे और जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के अंडर आती है। अब सबसे ऊपर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर दो मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, ये तीनों तो आती हैं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, और आपका रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड रिकॉम्बिनेंट DNA एडवाइजरी कमेटी, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। और इन दोनों को बीच में जो जोड़ती हैं, ये जो दोनों का ओवरलैपिंग जिसके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन है वो है MEC और IBSC। MEC क्या है आपका, मॉनिटरिंग कम इवेल्युएशन कमेटी, एंड IBSC क्या है, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, इश्यूज क्या हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप के साथ, देखो एक तो बड़ी नई टेक्नोलॉजी है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें पता नहीं है। सेकंड बात, हमारी हेल्थ पे वो जेनेटिकल मॉडिफाइड खाने से क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे जीन्स पे, क्योंकि अभी तो जो नेचर हमें उगा के देती थी, जंगल उगा के देता था, जो नेचुरली उगता था हम वही खा रहे थे, बट अब आपने जीन ऑल्टर कर दिया, अब जीन ऑल्टर करके उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या रह गई, उसमें कितना कार्ब्स रह गया, भैया कितना प्रोटीन हो गया, कितना फाइबर रह गया, वो भी तो स्टडी करना है, हमारी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट है। तो दो अभी तक कोई इल इफेक्ट नहीं दिखा जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का ह्यूमन हेल्थ पे, बट रिसर्च अभी भी जारी है, और यही स्केप्टिसिज्म या यही डाउट की वजह से जो है बहुत लार्ज स्केल पे या बहुत सारे जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स को अलाउ नहीं किया गया है, ये तो इसका इशू है। एडवांटेजेस क्या है, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी आप न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ा सकते हो, आप छोटे स्केल पे ज़्यादा उगा सकते हो। ठीक है, जैसे आपका एक राइस था गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस से क्या होता है कि आपकी हेल्थ बढ़ती है, अच्छी होती है। ठीक है, देन आप इसको, दे आर टॉलरेंट टू हर्बिसाइड्स, दे आर टॉलरेंट टू पेस्टिसाइड्स, विच मेक्स फार्मर इजियर टू कंट्रोल द वीड्स, उससे क्या होगा, बेटर प्रोडक्टिविटी आएगी, फार्मर का खर्चा नीचे होगा तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी, तो ये सब इसके फायदे हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, देखो यार पहली बात तो सबसे पहले तो प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स की, उसका इफेक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे, उसका इफेक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे, दोनों चीज़ अच्छे से पढ़ी जानी चाहिए, हर एक चीज़ को सोच समझ के काम किया जाना चाहिए, ये तो आपकी समझ के लिए। अब आप पेपर में क्या लिखोगे, पेपर में लिखोगे आप फोकस जेनेटिकल मॉडिफाइड रिसर्च एजेंडा होना चाहिए, देन कैपेसिटी बिल्डिंग करो आप जेनेटिकल मॉडिफाइड रिसर्च डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन में, पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाओ कि भैया इससे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, हानि भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, अच्छा ये रिसर्च हो चुकी है इससे कोई हानि नहीं है, आप इसको लगा सकते हो, ये सब चीज़ें आप बताओ। अच्छा डाटा कलेक्ट करो, क्वालिटी डाटा कलेक्ट करो, साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करो, देन इट शुड बी, जो आपकी रेगुलेटरी पॉलिसी होनी चाहिए वो साइंस बेस्ड होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए उस डाटा से, देन सिंप्लीफाइड मॉड्यूल फॉर रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप क्या करना है, ये सब भी चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है। तो ये तो बात थी जेनेटिकल मॉडिफाइड
क्रॉप्स की या ऑर्गेनिजम्स की। अब बात करते हैं लैंड सब्सिडेंस इन कोस्टल एरिया। तो लैंड सब्सिडेंस क्या है, कल तक लैंड यहाँ थी, आज लैंड यहाँ आ गई लेवल, ठीक है। तो पानी कल तक तो यहाँ तक तो पानी था ही, पानी तो वहीं है, लैंड नीचे आ गई, पानी डूब गया, पानी के अंदर डूब गई, तो फ्लडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है लैंड सब्सिडेंस की वजह से। इनफैक्ट एक IIT बॉम्बे की स्टडी ने ये फाइंड किया कि मुंबई सिटी इज सिंकिंग एट एन एवरेज ऑफ 2 मिलीमीटर पर ईयर, जिससे कि वहाँ पे इंक्रीज इवेंट ऑफ फ्लड्स होने लगे हैं। अगर हम लैंड सब्सिडेंस की डेफिनेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ सर्फेस विच कैन बी कॉज्ड बाई द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, रिक्लेमेशन ऑफ नेचुरल वेटलैंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज। वो नेचुरल भी हो सकती है और ह्यूमन मेड, जिसको कि एंथ्रोपोलॉजिक बोलते हैं, वो भी हो सकती है। एंड इट इज़ इरिवर्सिबल, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप जाएंगे तो इंडिया का जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है पानी के अंदर। किसकी वजह से? फॉल्टिंग की वजह से, पूरा ऐसे टूट रखा है पानी के अंदर है वेस्टर्न फ्लैंक। ईस्टर्न इसलिए ज़्यादा मजबूत है, इसलिए जो आपके मेजर मेजर पोर्ट्स हैं अच्छे, वो वेस्टर्न उसमें, क्योंकि वहाँ पानी गहरा है, पोर्ट्स के लिए ईजी होता है। बहरहाल एक रिपोर्ट ये बोलती है कि 2040 तक 8% ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप लेयर विल बी अंडर लैंड सब्सिडेंस विच विल अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन पीपल लिविंग इन 21% ऑफ द वर्ल्ड्स बिग टाउन्स। और जो सबसे ज़्यादा वनरेबल इसमें हैं वो एरियाज हैं जो कि थिन सॉइल पार्टिकल से बनते हैं, जैसे कि हमारे एलुवियल प्लेन्स, गंगा वाले प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र वाले प्लेन्स, ठीक है, दे आर मोन वर्नरेबल। अगर हम कॉजेज ऑफ लैंड सब्सिडेंस की बात करें कि लैंड सब्सिडेंस होता क्यों है, तो नेचुरल फैक्टर्स की बात करें तो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की वजह से फॉल्टिंग हो जाती है, टूट जाता है ऐसे, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ऐसे ही वॉल्केनो की वजह से हो जाता है। लैंडस्लाइड हुई, कई बार क्या होता है कि पानी नीचे से एकदम निकल जाता है तो लैंड अपने साथ ले जाता है, तो एकदम आपने देखा जापान में सिंक होल बन गया था, बहुत बड़ा सिंक होल्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्या है, एक टाइप का लैंड सब्सिडेंस है। देन थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट मतलब जमी हुई आइस है वो गलती जाती है, ठीक है। अब मान लिया ये आपकी आइस शीट है पूरी, यहाँ ये गलने लगी, यहाँ से पानी निकल गया, यहाँ पे ऐसा बन गया, किस दिन ये जो ऊपर शीट है अगर आप इसके ऊपर से गुजरेंगे तो ये नीचे टूट के आ जाएगी और आप इस गोले के अंदर पड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। देन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की बात करें तो हम पानी का एक्सट्रैक्शन इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि एक्वीफायर्स में जो पानी है, अब भाई वो भी तो स्पेस घेरता है ना, वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अब आपने पानी निकाल लिया, अब क्या हुआ कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे सबसाइड कर गया, गिर गया। जो आपकी माइनिंग एक्टिविटीज़ है, माइनिंग देखा, माइनिंग में जब आप जैसे ब्लास्ट करते हो एकदम लैंड अंदर को गिरती है, सब्सिडाइज कर जाती है, ठीक है। मान लिया आपने यहाँ माइन बना रखी थी, इसके ऊपर पूरी लैंड थी, जिस दिन आपने माइन खाली करी आपने इसके जो पिलर थे सब हटा दिए, तो जितनी भी लैंड थी यहाँ से सब सब्साइड कर जाएगी, ठीक है। अब और अनइवन एंड अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन तो हमेशा रहता ही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, फ्लडिंग होती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इसकी बात करें तो वाटर लॉगिंग होती है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो टूट जाता है तो उसका माल फंक्शन हो जाता है, फाउंडेशन जो घरों की है वो वीक होती है। इन्वायरमेंट पे बात करें तो रिवर का जो फ्लो सिस्टम, भैया कल तक रिवर ऐसे बह रही थी, अब यहाँ से ये ज़मीन ही टूट गई, ठीक है, अब इसको यहाँ से बहना पड़ रहा है, क्या वो कोर्स चेंज हो गया रिवर का, कोस्टल फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है। एंड अर्थक्वेक ड्यू टू वीकेंड सॉइल लेयर्स, सॉइल लेयर्स टूट गई तो अब अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। डिक्रीज इन लैंड एंड प्रॉपर्टी वैल्यूज़ होती है, हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं और इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है। क्या वे फॉरवर्ड है? सबसे पहले तो भैया जहाँ जहाँ लैंड सब्सिडेंस हो रहा है आप उसको मार्क करो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कार्टोग्राफिक डाटा उठाओ कहाँ से, साइट से देखो कि कहाँ कहाँ लैंड सब्सिडाइज कर सकती है, कहाँ कहाँ पानी नीचे है, कहाँ कहाँ जो आपकी सॉइल है वो वीक है, तो आइडेंटिफाई करो हॉटस्पॉट्स को, उनकी स्टेबलाइजेशन के लिए वर्क करो। और आपको जहाँ लगता है कि यहाँ तो भैया गिरेगा ही गिरेगा, वहाँ से ह्यूमंस को डिस्प्लेस कर दो। आप जियोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ो अच्छे से, लैंड को समझो, तभी आप बेटर तरीके से प्लान कर पाओगे। आप इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन टू ऑफसेट ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करो, जहाँ पानी है वहाँ पानी पहुँच जाए टाइम से, आपने निकाल लिया, ठीक है, लैंड आपको लैंड बोलती है कि या नेचर बोलती है, ठीक है, निकाल लिया कोई बात नहीं, निकाल लीजिए भैया आपके लिए, बट उसे वापस भी करो, ठीक है, एक्वीफायर रिचार्ज करो, ठीक है। देन
इवेल्युएट बिल्डिंग कंडीशन इन हैजार्डियस जोन. ऐसा नहीं कि मतलब ज़मीन तो कच्ची है, आपने बना दी 100 तल्ले की बिल्डिंग, ऐसा मत करो. आप हैजार्डियस मैपिंग करो. हाँ भैया, 2 मंजिल का घर इस एरिया में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. जैसे 4th-5th बनाओगे तो ज़्यादा रिस्क पड़ जाएगा. देन इनकॉर्पोरेटिंग लैंड सब्सिडेंस इन असेसमेंट एंड मॉडलिंग. भैया लैंड सब्सिडेंस को पहली बात तो आप मानोगे एक प्रॉब्लम है, उसको असेस करो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, उसका मॉडल बनाओ. भैया अगर यहाँ पे लैंड करी तो इतनी फ्लडिंग हो जाएगी और हम ऐसा ऐसा करना है फिर हमें, ठीक है. देन सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते जाओ आप, जहाँ जहाँ लैंड सब्सिडेंस हो रहा है या जहाँ जहाँ लैंड सब्सिडेंस हो सकता है वहाँ की हैजार्डस मैपिंग करो. तो ये आपका वे फॉरवर्ड है. अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट. देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों का चले जाना. अब वो बहुत जगह बहुत तरीके से होता है. वॉर सीरिया इराक में वॉर हुआ, लोग मेडिटेरियन ओशन को क्रॉस करके तैर के क्रॉस करना चाह रहे थे, शिप्स छोटी छोटी बोट्स में जा रहे थे, है ना, ट्यूब बोट्स में कुछ पहुंच जा रहे थे, कुछ जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी रास्ते में डेथ हो जा रही थी. आपने देखा एक बच्चा जो था वो जाते हुए उनकी उसकी डेथ हो गई. देन ही वॉज वॉश्ड, हिज बॉडी गॉट वॉश्ड अश्योर एट दी शोर पे लगी. फिर बड़ा मीडिया में आया, इंटरनेशनल मीडिया में आया था कि एक बच्चा, देखो एक वॉर टॉर्न की वजह से इस बच्चे की क्या गलती है. एंड यू नो दैट वॉज द मोमेंट विच रॉक द ह्यूमन कंसाइंस, कि हम एज अ ह्यूमंस जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, कि हमारी गलती की वजह से एक बच्चा जो मिड वे क्रॉस कर रहा था अपनी कंट्री से, अपना घर छोड़ के उसे दूसरे घर में जाना था, दूसरी जगह जाना पड़ रहा था, और उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है. तो डिस्प्लेसमेंट जो है, लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से, आज के टाइम पे लोग US जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं इंडिया से, क्यों, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. उन्हें लगता है कि वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी लाइफ है. तो क्या है, दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कई तरीके से हो सकती है, बट हमारा जो टॉपिक है या हमारे लिए जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ डिवेलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट. आपने डैम बनाया, डैम के चलते क्या हुआ, जब मान लिया टीरी डैम बना था, तो टीरी की जो पूरा टीरी थी लगभग 50% डूब गई थी, जहाँ जो घंटाघर था पूरा डूब गया था, ठीक है. तो क्यों, क्योंकि पानी, भाई अब आपको पानी नॉर्मल चल रहा था, आपने एक वॉल बना दी, पानी रुकना है, पानी कहीं पीछे जमा भी तो होगा, और जब जमा होगा तो जो आसपास के इलाके हैं वो पानी के अंदर डूब जाएंगे. तो क्या हुआ, अब वहाँ से लोगों को हटाना पड़ेगा ना. तो ये क्या है, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट. एक जगह कहीं आपको माइन बनानी है, लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ से लोगों को हटाना पड़ेगा, ये क्या है, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट. दस एग्जांपल लेते हैं, जैसे पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बनना है आंध्र प्रदेश में, एंड यू नो जब ये बनेगा इसमें इतने ज़्यादा लोग डिस्प्लेस होंगे कि इट विल बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड इन इंडियन हिस्ट्री. लगभग 1 लाख फैमिलीज को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है. अगर डिस्प्लेसमेंट की भाषा की बात करें, फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज डिसलोकेशन ऑफ पीपल फ्रॉम नेटिव प्लेस एंड रीजन. इट ऑफन एक्सेसिबरेट्स रादर देन मिटिगेट्स इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, हेल्पलेसनेस एंड एलिनेशन. इस सब को जन्म देती है, और लोगों का इकोनॉमिक लाइवलीहुड चले जाता है, कम्युनिटीज़ का लाइवलीहुड चले जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक ट्रामा होता है, साइकोलॉजिकल ट्रामा होता है, सोशल ट्रामा होता है. दो टाइप के डिवेलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट तो हो गई कि भैया सीरा डैम बनना है, लोगों को हटाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, पानी जो वो एरिया वो पानी के अंडर जाएगा ही जाएगा, तो वो गई डारी. दिस रेफर्स टू दोज केसेस वेयर द इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लीड्स टू अ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हु हैव इनहैबिटेड दिस साइट्स फॉर जनरेशन टुगेदर. इनडायरेक्ट में क्या हुआ, हटाना नहीं पड़ रहा है, बट जब एक बड़ी चीज़ बनी तो क्या हुआ कि आसपास का जो रिसोर्स था उसने इतना पूरा खींच लिया कि लोग जो वहाँ के लोग थे, नेटिव थे लोग वहाँ पे जो रहते थे, उनके लिए कोई रिसोर्स बचा ही नहीं, तो उन्हें मजबूरी में आके एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट थिंग उनको वो जगह छोड़नी पड़ी. तो दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट. इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो जब इंडिया में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई 19th century में, तब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिवेलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट पहले भी होती थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिवेलपमेंट देखने को मिली. अच्छा, डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होगी, जहाँ मिनरल रिच एरियाज होंगे, अपर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर होगी क्योंकि वहीं पे पानी आपको रोकने को मिलेगा, नेचुरल बैरियर्स में जाते हैं क्योंकि हिल्स में क्या होता है, हिल्स में आपको दो पहाड़ है, इसमें आपको एक टाइप का नेचुरल साइड बैरियर मिल जाता है, और नेचुरली आप एक झील बना सकते हैं. प्लेन एरियाज में इसको क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए पहाड़ों में बहुत ज़्यादा डैम होते हैं. आप उत्तराखंड में देखोगे आप कितने डैम हैं, हिमाचल में देखोगे कितना डैम है, दोनों बड़े डैम आपका भाखड़ा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश में, टीरी डैम उत्तराखंड में है, ठीक है. दोनों छोटे स्टेट हैं लेकिन दोनों सबसे बड़े डैम आपके इंडिया में, इंडिया के, अब तो खैर और डैम्स भी आ रहे हैं, दोनों हिली स्टेट्स में, क्योंकि एक नेचुरल
आपको झील बनाने के लिए एक नेचुरल बेनिफिट मिलता है। कोस्टल बेल्ट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज होता है वहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो वो इट विल लीड टू डिस्प्लेसमेंट। इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में लगभग 3000 छोटे बड़े डैम बने विच लेड टू दी फोर्स्ड एविक्शन मैं कहूँगा। और देखो डेवलपमेंट भी ज़्यादा ज़रूरी है और ये देखो बैलेंस करना पड़ता है। हम वे फॉरवर्ड में आपको पढ़ाएंगे। इट लेड टू दी एविक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। एंड माइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि आपको खनिज निकालना है तो खनिज निकालने के लिए आपको लोगों को हटाना पड़ेगा। और जो ज़्यादातर खनिज है वो आपका हिली एरियाज और फॉरेस्ट एरियाज़ में है जो कि मोस्टली जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं। एंड ट्राइबल्स आर कंसिडर्ड टू बी एज द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड एंड सप्रेस्ड सेक्शन ऑफ आर पॉपुलेशन एंड दस द इम्पैक्ट द डिवेलपमेंट हैज़ ऑन दैम इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, दे आर अफेक्टेड मोर, ठीक है। और क्या, अर्बन प्लानिंग, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ ऑल्सो लेड टू द डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई, उसके बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का पेस बढ़ गया, इकोनॉमी खुल गई, बाहर के इन्वेस्टर्स अंदर आने लगे और दैट हैज़ उसके बाद क्या हुआ कि डेवलपमेंट और सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता चला गया। इनफैक्ट अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की तो इंडिया हैज़ 60 मिलियन डिस्प्लेस्ड पर्सन्स बिटवीन 1947 टू 2014 फ्रॉम 25 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इंक्लूडिंग 7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड 6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। द ट्राइबल कंप्राइजेज 8.0% ऑफ दिस पीपल डिस्प्लेस एंड विच सॉरी 8.08 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन एंड लगभग 40% जो लोग डिस्प्लेस हुए उसमें से 40% जो थे वो शेड्यूल ट्राइब्स थे एंड ट्राइबल्स थे। शेड्यूल ट्राइब्स आर डिफरेंट, जरूरी नहीं कि हर ट्राइब शेड्यूल ट्राइब हो, ठीक है। एंड 25% वर दलित्स। तो आप देखते हो कि वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से लगभग 1990 से हर साल लगभग 10 मिलियन पीपल डिस्प्लेस होते हैं ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट वो कहती है कि लार्ज डैम की वजह से जो डायरेक्ट लोग डिस्प्लेस हुए थे वो 26.6% हुए थे, बट उसकी वजह से इफेक्ट हुए, कॉन्सिक्वेंसेज हुए, जितने रिसोर्सेज उसने ले लिया, लोगों की लाइवलीहुड कुछ उनके लिए कुछ बचा नहीं और उन्हें मजबूरन वो जगह छोड़नी पड़ी। और ऐसे लोग 62.8% है, मतलब ज़्यादा लगभग डबल लोग हैं। तो जो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं वो कम हैं एंड जो इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं वो ज़्यादा लोग हैं। कॉजेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डेवलपमेंट क्या कॉजेज हैं डिस्प्लेसमेंट के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा एक डायग्राम बना देना अच्छा सा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, वाटर सप्लाई, पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, पार्क एंड फॉरेस्ट रिजर्व, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, ये सबसे लोग डिस्प्लेस होते हैं। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट से क्या क्या दिक्कत आती है, ठीक है। देखो आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, मैं आपको बोलूँगा आज अपना घर छोड़ के आपको दूसरी जगह जाना है तो उस आप एक बस आँख बंद करके इमेजिन करिए कि आपकी लाइवलीहुड चले जाएगी, आपकी जो सोसाइटी अगल बगल के लोग हैं वो चले जाएंगे, आपका जो इकोनॉमिक जो सेटअप है वो चले जाएगा, आपके जो गाय हैं डंगर हैं जो आपका लाइफ स्टॉक है वो चले जाएगा, आपके खेत खलिहान जिनसे आप इतना प्यार करते हो, ओवर द ईयर्स आपके दादाजी ने एक बाग आपको लगा कर दिया था, आपको बोला था कि बेटा इसका ख्याल रखना, वो आज डूब जाएगा। तो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट ही नहीं है, उसकी सोशल एंड इमोशनल कॉस्ट भी है, ठीक है। इसलिए अब बोला जाता है कि आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करें और लोगों को आप हम फुल्ली तो कंपनसेट नहीं कर सकते किसी के इमोशनल लॉस और साइकोलॉजिकल जो अफेक्ट पड़ता है, बट हाँ उसको अगर इकोनॉमिक टर्म्स में कुछ चेंज करके कुछ और अच्छे से बेहतर उनका रीसेटलमेंट और डिवेलपमेंट कर पाएँ तो क्या हो सकता है कि वो दर्द जो हो कम हो। खैर बहरहाल कमिंग बैक टू दी पॉइंट्स, सबसे पहली बात लैंडलेसनेस क्रिएट होती है, आपने ओवर द ईयर जो आपकी लैंड होती है वो जाती है। जॉबलेसनेस क्रिएट होती है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं जो जॉब करते हैं, आप जिसकी दुकान होती है, जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं, जो कोई कहीं काम कर रहा है, जो वहाँ सरकारी कार्यालय है, बैंक है, वहाँ लोग काम कर रहे हैं, जॉबलेसनेस क्रिएट होती है। आपका जो घर है जो आपने बनाया होता है अपने लिए, शेल्टर जो होता है वो आपका जाता है, मार्जिनलाइजेशन को लीड करता है, क्योंकि जब आप नई जगह जाएंगे, भैया मैं एक नई जगह जाऊंगा, आज मैं इस जिस जगह रह रहा हूँ यहाँ मैं मेरे पूर्वज यहीं थे, मेरे पिताजी यहीं थे, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ पे अपना फील अपनापन फील करता हूँ, यहाँ लोग मुझे चार लोग जानते हैं। मैं जब नई जगह जाऊँगा, आप दिल्ली जाते हैं कोई नहीं जानता आपको, आप किसी भी मेट्रो सिटीज़ में चले जाएँ, छोटे शहर के मतलब हम लोग, अगर आप बड़ी शहर में चले जाएँ हाँ ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे आपस में जानते हैं, कुछ लोग वहीं के नेटिव हैं, बट मैक्सिमम लोग तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के चलते वहाँ आए, तो लोगों का एलिएनेशन फील होता है, अलग सा फील होता है, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है, आपको लगेगा यार मैं कहाँ आ गया, तो मार्जिनलाइजेशन होता है, क्योंकि उस सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो मार्जिनलाइजेशन होता क्या है, द ट्रेंड ऑफ स्लिपिंग टू लोअर लेवल्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड इन टर्म्स ऑफ सोशल लेटर ऑल्सो, ठीक है। देन आपको सोशल साइकोलॉजिकल इन इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है, फूड इनसिक्योरिटी होती है, भाई आपने खाने पीने का जुगाड़ कर रखा था, अब आपको नई जगह जाना है, आपको पता ही नहीं है कहाँ से खाना मिलेगा, क्या है, कैसे आपको, आपने अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया हुआ था, वहाँ पर आपने एक डॉक्टर रखा हुआ था, आपके चार डॉक्टर जानने वाले थे, अगल बगल आप किसी वैद्य के पास, किसी हकीम के पास, किसी छोटे नॉर्मली फार्मासिस्ट के पास चले जाते थे, आपको बुखार की दवाई देता, बट आप जब नई जगह जाएंगे तो वहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब भी रिसेटलमेंट होता है वो बड़ी खाली जगह पर किया जाता है। डिस्प्लेस पीपल को कभी ऐसा नहीं कि भैया यहाँ से आप टीरी में डिस्प्लेसमेंट हुआ था, उनको मुंबई में बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में जगह थी, नहीं, उनके लिए अलग से लैंड एक्वायर की जाती है, बड़ी खाली जगह होती है, उसको डेवलप किया जाता है, शुरू शुरू में छोटा छोटा उन्हें लैंड अलॉट किया जाता है, तो डायरेक्ट पैसे दे दिए जाते हैं, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी इंक्रीज होती है, लॉस ऑफ जो आपकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है ओवर द ईयर्स बनाई होती है वो टूटती है, सोशल डिसआर्टिकुलेशन होता है, इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी लेवल, भाई देखो एक मेरी कम्युनिटी थी, पांच घर थे मेरे, जो चार पड़ोसी थे यहीं पे रहते थे, अब क्या हुआ कि हम लोग को डिस्प्लेस होना है, तो अब क्या था कि सरकार ने बोला कि ठीक है यार आप एक एक करोड़ रुपए रखो, आपको जहाँ ज़मीन लेनी है आप ले लो, अपने हिसाब से सेटल हो जाओ, घर बना लो, मैं आपको दो साल दे रहे, तो हो सकता है कि जो हमारे एक अंकल हैं उन्होंने कहीं ज़मीन ले ली, एक अंकल हैं उन्होंने किसी मेट्रो सिटी में ले लिया, एक अंकल ने कहा यार मैं मेट्रो वेट्रो में तो जाऊँगा नहीं, मैं तो किसी पहाड़ी जगह पे रहूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, किसी तीसरे अंकल ने बोला कि नहीं यार मैं तो समुद्र के बगल में रहने जाता हूँ, उन्होंने वहाँ बना लिया घर, तो क्या हुआ, सोशल डिसआर्टिकुलेशन हुआ, मैं कल तक जो मेरे चार लोग मेरे अगल बगल रहते थे या मेरी जो कम्युनिटी थी आज पूरी टूट चुकी है, लोग अलग अलग जगह पहुँच चुके, मेरी फैमिली मेंबर्स थे, एक चाचा मेरे बोलने लगे मैं यहाँ बनाऊंगा, एक मेरे ताऊ जी बोलने लगे वहाँ बनाऊंगा, तो उससे क्या कि सोशल डिसआर्टिकुलेशन है, इंडिविजुअल लेवल पे भी आप टूट रहे हो, फैमिली भी आपकी टूट रही है, और आपकी जो कम्युनिटी है एज अ होल भी टूट रही है, किनशिप जो आपका नेटवर्क था वो स्कैटर हो रहा है, कम्युनिटीज अपरूट हो रही हैं, डिसमेंटलिंग ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल टाइज हो रहा है, ठीक है। देन लॉस ऑफ एक्सेस टू कम्युनिटी सर्विस, जो आपने कम्युनिटी ओवर ईयर्स बनाई है, स्कूल हॉस्पिटल वो सब चले जाते हैं, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो आज भी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होती है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं होते, वहाँ पे स्कूल्स नहीं होते हैं, देन इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी आज भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वुमेन्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होती है, क्योंकि जब लोग मना कर देंगे हम नहीं छोड़ेंगे भैया, तो लोगों के साथ फोर्स डिस्प्लेसमेंट होती है, आर्बिट्री अरेस्ट होते हैं, डिग्रेडेशन पनिशमेंट दी जाती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है, एंड यू नो दैट्स यू नो समटाइम्स पीपल लॉस देयर पॉलिटिकल वॉइस एंड इट्स अ वेरी inherent right which people loses over the time, then environment degradation तो होती है क्योंकि वहाँ development होना है, but ये development versus degradation का debate हमेशा से रहा है, development भी ज़रूरी है क्योंकि जब development होगी देखो वहाँ डैम बनेगा तो लोगों को रोजगार, उन लोगों को भी कुछ लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा जो आपके डैम इंजीनियर्स हैं, बिजली अब हमें आज एनर्जी की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत कहाँ से आएगा, कहीं से तो हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ना, तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, यही इसका वे फॉरवर्ड है कि आप एक एक्शन प्लान बनाएं, अच्छे से एक्शन प्लान बनाएं, उस प्लान को प्लान ही ना रहने दें, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी करें, उसमें आप एडुकेट कंपनसेशन दें, फोकस करें कि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च ट्रीटमेंट हो, सारी फैसिलिटीज़ हो जहाँ पे जो सीक्वेंस था, मैं तो बोलता हूँ कि देखो ये मेरा अपना मानना है कि जो सीक्वेंस था कम्युनिटी का वहाँ पे उसी सीक्वेंस में आप घर दें, उसी सीक्वेंस को बना रहने दें, ताकि आपके जो सोशल कोहेजन है या सोशल हारमोनी है उस सोसाइटी के कम्युनिटी की, वो अपने हिसाब से ओवर द ईयर एडजस्टेड है, बना कर दें, किसी के अगर बाग वाग थे अराउंड तो देखो बाग वाग और किसी के 10 बीघे का बाग था वो देना पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है उस एक आप पूरी कम्युनिटी के लिए तो बाग लगा सकते हैं, कम्युनिटी के लिए तो पार्क बना सकते हैं, तो वो सब जरूरी है बना कर दें, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करें ढंग से कि क्या फिजिबल भी है उस प्रोडक्ट को बनाना, प्रॉपर एनवायरमेंट असेसमेंट करें उसका, और जो कंपनसेशन आया है वो कंपनी से लें, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ आप सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करें, EIA के साथ SIA भी करें, ठीक है, जो लोग सफरिंग हैं, जो लोग इमोशनल सफरिंग हैं आप उसको कम तो नहीं कर सकते, बट बाय वे ऑफ इकोनॉमिक कंपनसेशन आप उसको थोड़ा सा हो सकता है मिटिकेट कर पाएँ, देन आप जो आपकी जो डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन को ढंग सही तरीके से डिसेमिनेट करें, जो लोग डिस्प्लेस होने वाले हैं उनकी जो राइट्स हैं, जो उन्हें पैसा मिलना है, जो प्रोसीजर आप उसको अच्छी तरह बताएं, इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसमें मदद करें, आप एक ऑफिसर बनाएं,
रिहेबिलिटेशन ऑफिसर, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफिसर बनाएं जो ये सब पूरी सब सब चीज़ की देख रेख करेगा, ठीक है। जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिसमिनेट करेंगे भैया ये राइट्स हैं, आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, ये इतना दिन मिलेगा आपको, इतना पैसा मिलेगा, आप ऐसा लैंड कर सकते हैं, ये चीज़ ले सकते हैं। तो वो जो डिसेमिनेशन है इंफॉर्मेशन का वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एंड देन आप इक्वल ट्रीटमेंट देना है टू दी वुमेन इन द एलिजिबिलिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट बेनिफिट्स। देन क्योंकि क्या है कि अगर कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के बिना मीनिंगलेस है, ठीक है, डेवलपमेंट कैन नॉट बी रियल अंटिल इट बेनिफिट्स रीच दोज हु पेस प्राइस फॉर इट। तो दस बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने बलिदान दिया है वो ड्यूली कंपनसेट हो, अच्छे से उनका देखभाल हो, जो भी रिसेटलमेंट होना है वो ठीक तरीके से हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करें, ढंग से उसका इनिशियल सोशल असेसमेंट करें, उसकी फिजिबिलिटी देखें, क्या कर सकते हैं क्या नहीं दे सकते, आपको डिटेल इंजीनियरिंग प्लान बनाएं, उससे किन लोगों पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा हर चीज़ को समझें, प्रॉपर जो डिस्प्लेस होने उनको प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट करें, और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन में देखें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि जो होता है कई बार रिसोर्सेज कम कर देती है, तो उनसे कौन लोग इफेक्ट हो रहे हैं आप उन्हें भी ड्यूली कंपनसेट करें, उनका भी ध्यान रखें। इनफैक्ट अगर हम रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट मेजर्स इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है हमेशा से हम लोग कोशिश करते हैं कि एक डेवलपमेंट और जो राइट हैं लोगों के उनको बैलेंस आउट करके चलें, लोगों के राइट्स जो हैं वो ना जाएं, उसके लिए हम लोग सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करते हैं। एंड वी ट्राई और द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू यू नो ऑलवेज फॉर्मुलेट दी पॉलिसी विच बैलेंसेज आउट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड नीड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, मतलब ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड पीपल एट लार्ज। एंड यू नो उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हो फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट प्लान। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया में, टू मिनिमाइज डिसप्लेसमेंट, अगर कोई ऑल्टरनेटिव रूट है तो आप उसे अपनाएं, लीज डिसप्लेसमेंट ऑल्टरनेटिव देखेंगे लोगों को। देखिए आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि लोग कम से कम लोग इफेक्ट हों, कम से कम लोग डिसप्लेस हों, जो लोग डिसप्लेस हों उनको एडिक्वेट रिहेबिलिटेशन पैकेज मिले, उनका रिसेटलमेंट जो हो अच्छे से हो, ठीक है। देन जो उनकी राइट्स हैं उसके देखभाल आपको करनी है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी ज़्यादा देख रेख करनी है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इनफैक्ट एक एक्ट है हमारे पास, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013 का, ये भी डिफाइन करता है कि कैसे रिसेटलमेंट करना है। जो लैंड आप एक्वायर कर रहे हैं पब्लिक पर्पज़ के लिए तो वो पब्लिक पर्पज़ आपको अच्छे से डिफाइन करना है। कॉम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन है ये, जिसमें कि बताया गया कि आप कैसे रिहेबिलिट करेंगे लोगों को, कैसे आप रिसेटलमेंट पैकेज बनाएंगे, कैसे जो लोगों की लाइवलीहुड है उसे आप कैसे काउंट करेंगे, जो लैंडलेस हैं टेनेंट्स हैं हर किसी की आपको राइट्स का ध्यान रखना है और उन्हें अकॉर्डिंगली कंपनसेट करना है। आप जो भी लैंड एक्वायर रिसेटलमेंट करेंगे उसमें आप स्कूल्स, प्ले ग्राउंड, हेल्थ सेंटर्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है अश्योर करेंगे, बट ये सब लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है बट ऐसा देखने को कम मिलता है कि ये सब फॉलो किया जाए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसको अच्छे से फॉलो किया जाए, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। ग्राम सभा का रोल बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि आप ग्राम सभा को हमेशा लूप में रखें, उनके साथ डायलॉग रखें, उनकी इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस किया गया है, एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू कंसल्ट देम व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग एनी प्रोजेक्ट। दस दिस वॉज ऑल इन द नेशनल एनवायरमेंटल इशूज। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज। Till then, take care, keep smiling, keep healthy, do not forget to subscribe Alpha-S Academy, and we are coming up with a new test series now. People might see this lecture at a very later time, so is samay jo test series chal rahi hogi aap wo join kar sakte hain. Alpha-S aims to make education affordable and to reach everyone. Thank you, take care, bye bye, Jai Hind.